आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के सामने ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करने वाली है कि फॉर्म में गलती हो गई है तो क्या करूं, डिजायरेबल एजुकेशन नहीं है तो क्या करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो क्या करना है, फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पर जो फोटो प्रॉब्लम कर रहा है अपलोड नहीं हो रहा है उसका क्या करना है, सेंटर फिल हो गए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो वैसे तो मैंने जब आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी कंप्लीट इसके बारे में, मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूं, एक तो कंप्लीट इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया फॉर्म के बारे में और दूसरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को बताया कि किस तरीके से कहां कहां से क्या क्या किताबें आप लोगों को पढ़नी है और कौन सी किताब कहां से खरीदनी है। वो दो वीडियो के नीचे जो भी सारे कमेंट आए उनसे मैंने डाउट उठाए, तो जिसके भी फॉर्म में जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, जब लास्ट डेट होगी तो आप लोग फिर इसको कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आप लोग काफी होगी और इसको कंप्लीट भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको जल्दी से आप लोग जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो नंबर मैंने आप लोगों को बताए थे यहां पर ये मैंने नोटिफिकेशन से ही उठाए थे, तो यहां पर कोई फोन नहीं उठा रहा है जो भी बच्चे यहां पर कॉल कर रहे हैं। इवन मैंने कॉल किया था तो यहां पर एक बार कॉल उठाया और ज्यादा बात नहीं करी, तो दो चार बातें ही मैं पूछ पाया हूं। तो सबसे पहले वही मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले सबसे जो बड़ा डाउट आ रहा है वो आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या अपेयरिंग स्टूडेंट भर सकते हैं, यानी कि थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में है तो क्या वो बच्चे भर सकते हैं, जिसका 3 साल की डिग्री होती है वो भर सकते हैं, 4 साल की होती है तो अगर वो लास्ट ईयर में तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर बोला गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो देखिए ये अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो यहां पर बिल्कुल इनके द्वारा क्लियर लिखा गया है कि कैंडिडेट के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और ये मस्ट है कि उसके पास में बैचलर डिग्री होगी तभी ये फॉर्म भरेगा। तो कोई भी अपीयरिंग स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्म को नहीं भरेगा, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है यहां पर। इसी के साथ में जो दूसरी इंपॉर्टेंट यहां पर बात है वो ये कि फॉर्म में गलती हो गई है तो क्या करूं। देखिए इसका मैंने उनसे बात की फोन पे, तो उन्होंने साफ साफ मुझे ये बोला है कि अगर फॉर्म में गलती हो जा रही है तो फिर आप लोग दूसरा फॉर्म भरिए, दूसरे में गलती हो जा रही है तीसरा भरिए, तीसरे में गलती हो जा रही है चौथा भरिए, जब तक आप लोगों के फॉर्म सही नहीं हो जाते तब तक भरते रहिए, जो लास्ट फॉर्म आप लोगों का होगा वो आप लोगों का काउंट होगा। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को चरखा चलाना है, वहां पर जाकर आप लोगों को कोशिश करनी है, कई बार एक फॉर्म में गलत हो जाती है तो दूसरा फॉर्म आप लोग भर लीजिए, बस इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करिए अपना, अगर गलती हो गई है तो फॉर्म अपना भर लीजिए और उसकी कॉपी जो है वो जरूर अपने पास रखिए, आप लोग जो पीडीएफ है उसको आप लोग जरूर अपने पास में सेव कर रखिए, ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है डिजायर एजुकेशन के बारे में, जो डिजायरेबल एजुकेशन है। देखिए ऐसा नहीं है कि डिजायरेबल एजुकेशन नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। डिजायरेबल एजुकेशन नहीं है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी वहां पर। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा प्रिफरेंस उन लोगों को रहता है जिनके पास में एजुकेशन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर के अगर रिजल्ट देखोगे बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन है जिनके पास में ये डिजायरेबल एजुकेशन नहीं थी, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है कि डिजायरेबल एजुकेशन ही नहीं है तो हम लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे। तो ये भी एक बहुत बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डाउट अपने माइंड से निकाल दीजिए। तो डिजायरेबल एजुकेशन की कोई आप लोगों को जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इसके लिए नहीं है कि आप लोगों का फॉर्म आप लोग नहीं भर पाएंगे, तो फॉर्म आप लोगों को जरूर भरना है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में जो फोटो है उसके लिए भी कई सारे डाउट आ रहे हैं कि फोटो को अपलोड कर रहे हैं, तो देखिए फोटो को अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रोसीजर बताता हूं जो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ये आप लोग कर लीजिए, फिर आप लोग टेंशन फील नहीं करेंगे। और फोटो वाली जो सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है उसका अभी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कर देता हूं। फोटो आप लोगों को कैसे अपलोड करना है, उसको रिसाइज आप लोगों को कैसे करना है, तो ये टेंशन आप लोगों की आगे कभी भी फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को नहीं होगी, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे आप लोग जाकर यहां पर क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर होगी जो भी आप लोगों को अपलोड करनी है तो उसके ऊपर जाकर आप लोगों को राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग राइट क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने यहां पर ओपन विद खुलकर आ जाता है, तो ओपन विद में आप लोगों को पेंट देखने को मिलेगा, पेंट पर आप लोगों को क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसी एक नई विंडो खुलकर आएगी। तो ये नई विंडो होगी आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी यहां पर, ये नई विंडो है। तो इसमें आप लोगों को यहां पर एक रिसाइज का ऑप्शन आता है, तो ये रिसाइज पे आप लोगों को जाकर क्लिक करना है और यहां पर परसेंटेज के ऊपर ये क्लिक होगा तो परसेंटेज पे से हटाकर आप लोगों को इसको पिक्सल पर पहुंचाना है, ठीक है। और यहां पर एक होगा यहां पर ये वाला जो राइट क्लिक है इसको आप लोगों को हटा देना है, ये आप लोगों का वरना रेशियो मेंटेन रखे जाएगा, इसको चेंज नहीं होने देगा, अपने हिसाब से चेंज करता रहेगा ऐसे। जैसे कि अगर आप लोग इस पर क्लिक रखेंगे, अगर मैं ऊपर यहां पर कोई चेंज करूंगा तो नीचे वाले में अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर इस पे से आप लोग ये क्लिक हटा देंगे तो फिर आप लोग कर सकते हैं आराम से। आप लोगों को क्या करना है, यूपीएससी के द्वारा जो मांगा गया है वहां पर आप लोग मैक्सिमम जो साइज है वहां पर 1000 कर आप लोग इसको क्लिक कर दीजिए ऐसे, तो आप लोगों का वो रिसाइज हो जाएगा और फिर इसको कट कर दीजिए तो ये सेव मांगेगा, इसको आप लोगों को सेव कर देना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे जाके रिमाइंड कर देख लेना। अब ये जो फोटो आप लोगों की हो गई है ये आप लोग अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मिनिमम साइज मांगा गया उसका वो 20 KB आई थिंक मांगा गया है शायद, ठीक है। तो 20 KB है आई थिंक उसका साइज, जो मैं पढ़ रहा था नोटिफिकेशन, तो वो आप लोग देखेगा तो उसके बाद में आप लोग उसको इजिली
इजिली अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक आप लोगों का जो फोटो आप लोगों को अपलोड करने हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग का आईडी प्रूफ है जो कि आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग अगर खुद से नहीं आता कैफे पे जाकर करा लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट अपने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कराकर आप लोग रख लीजिए, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूरत पड़ती ही रहती है, ठीक है। तो एक ये काफी ज्यादा डाउट था जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ में जो किताबों से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो वह मैं ऑलरेडी सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, सारे लिंक है ऑलरेडी अवेलेबल, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जो भी आप लोग किताब खरीदनी है तो आप लोग जाकर उसको ले सकते हैं। सेंटर के बारे में अगर बात करें तो देखिए सेंटर जब आप लोग भरेंगे, अब क्योंकि एंड आ रहा है बिल्कुल फॉर्म का, तो वहां पर जैसे ही आप लोग सेंटर के लिए उसको खोलेंगे तो कई सारे सेंटर आप लोगों वहां पर रेड हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये सेंटर फिल हो चुके हैं, अब आप लोग उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अप्लाई करना है तो आप लोगों को बस दूसरे सेंटर जो बचे हुए हैं उन्हीं में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जब आप लोगों की वो दोनों वीडियो बनाई थी फॉर्म भरने वाली पूरा और इसके साथ में जो आप लोग कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उस टाइम पर मैंने डिटेल में आप लोगों को यही बात देकर कही थी कि मैंने कहा यूपीएससी में ऐसा रहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, यानी कि जो पहले आता है उसको सेंटर मिलता है, जो बाद में आता है तो सीट भरती रहती है तो उसको रेड कर देती हैं। तो जो अच्छे अच्छे जो सेंटर है, यानी कि जो सिटीज में सेंटर है, जैसे दिल्ली वाला सेंटर मुझे लगता है भर गया होगा क्योंकि वो सबसे पहले भर जाता है नॉर्मली अगर दिल्ली की बात करेंगे, एक आधा और वहां पर रेड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दिल्ली के आसपास वाला रीजन, जैसे कि गाजियाबाद नोएडा वगैरह, ये सेंटर भी आप लोगों को आई थिंक फिल मिलेंगे वहां पर, अब क्योंकि एनसीआर वाले रीजन के सेंटर सबसे पहले भरते हैं, सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो एनसीआर वाले रीजन में रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये नंबर कोई यहां पर उठा नहीं रहा है, पर लेकिन जितना मुझे पता, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा उसके बेस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं और जितनी मेरी यहां पर बात हुई है। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो देखिए फिर टाइम भी नहीं बचा हुआ है, अब तो आप लोगों का बस लास्ट टाइम ही बचा हुआ है, अब भर पाओगे तो भर पाओगे, फिर देखिए कुछ इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। पर हाँ ये है कि जिसने भर दिया अगर उसको कोई गलती हो रही है तो वो इसका सोल्यूशन जरूर निकाल लीजिएगा, फिर से इस फॉर्म को आप लोग डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने फॉर्म भर दिया है वो वाई लिखेगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जिसने फॉर्म नहीं भराया वो एन लिखेगा, ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा। और बाकी आने वाले टाइम में आप लोगों के लेक्चर भी आएंगे इससे रिलेटेड कई सारे, जैसे क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की, जिसमें आसानी से आप लोग चीजों को पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं, एग्जाम का जैसा पैटर्न होगा उसी तरीके आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी करंट जो है हमारी हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो आती है उसमें आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी मुझे लगेगा जरूरी चीजें हैं वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करानी थी, तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ ये और आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें सारी किताबों के बारे में बता रखा है, इसके नीचे सारी जो बुक्स हैं उनके मैंने लिंक भी आप लोगों को दे रखे हैं कि कौन कौन सी किताब आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो सारी किताबें अकाउंटिंग के लिए कौन सी, इकोनॉमी के लिए कौन सी, पॉलिटी के लिए कौन सी, वो सारे लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखे हैं, इस वीडियो के नीचे भी वो सारे लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग जाकर अगर वो किताबें लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और फिर भी ये वीडियो देखने के बाद में अगर कोई डाउट रहता है सिलेबस सैलरी पैटर्न एग्जाम क्या है, वो सारी बातें मैंने यहां पर क्लियर कर रखी है। तो ये है वीडियो जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को समझा रखी है, ये तीन वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट जो है अप्रोक्सीमेट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो आगे आने वाले एग्जाम्स के पैटर्न को लेकर किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए तो उसके बारे में आप लोग बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर, फिर आगे वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को फायदा पहुंचा होगा, अगर फायदा पहुंचा है तो देखिए अपने आपको अच्छे से इन चीजों को ध्यान में रखकर फॉर्म भरिए, और किसी को अगर डाउट है तो उसको भी जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।